हाँ जी नमस्कार सभी को, मैं अजय सोलंकी स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल D++B2 पर। और आज ये क्लास आपकी बड़ी ही अजीब तरीके से होने वाली है। सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डिंग रहेगी जो मैं फ़ोन से कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता ही है, मैंने बताया था आपको कि घर के साइड में कम से कम 3 से 4 दिन हो गए उस शोर को मचे हुए, जो अभी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अभी लोगों की शादियाँ लगातार होती जा रही हैं और आपकी क्लास भी मिस होती जा रही हैं। तो यहाँ आज हम पढ़ने वाले हैं किस चीज़ के बारे में, जो आपके करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और हाल फिलहाल में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उनके बारे में देखेंगे। तो शुरू करते हैं भाई। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री को हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? 4 ऑप्शन आपके पास, दीपिका पादुकोण, कंगना रनौत, आलिया भट्ट, कैटरीना कैफ। तो इसमें से सबसे सही आंसर कौन सा होगा भाई, ये जो एक्सप्लेनेशन होती है उसके साथ साथ आपको मैं दिखा देता हूँ। कंगना रनौत जो हैं उनको जो है चूज़ किया गया है, और काफ़ी सारी मतलब फिल्में हैं उनकी अच्छी हैं, जैसे कि अभी हाल ही में आपने देशभक्ति के ऊपर भी जो हमारे पुराने जो भी हमारे युद्ध में लड़ने वाले महारथी जो थे उन पर भी उनकी काफ़ी ज़्यादा फिल्में आई हैं, जिनमें से कुछ मनी करने का नाम की भी थी एक मूवी। तो इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की हुई हैं, उसके लिए पद्म पुरस्कार की उनको घोषणा की गई। आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन आपके पास, निम्नलिखित में से किस एयरलाइंस में सरकार की 100% हिस्सेदारी बेचे जाने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं? मतलब कि कौन सी एयरलाइंस है जिसमें सरकार, जो सरकार है उसकी 100% जो उसके पास ये रहते हैं राइट्स रहते हैं वो बेचे जाने के लिए आमंत्रित किया गया है। ऑप्शन आपके पास, एयर इंडिया, गो एयरलाइंस, इंडिगो एयरलाइंस, इंडियन एयरलाइंस। 4 ऑप्शन आपके पास। तो फिर से एक्सप्लेनेशन आपको दिखा देते हैं भाई। एयर इंडिया जो है इसका सही आंसर है। सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया में सरकार की 100% हिस्सेदारी बेचने के लिए आमंत्रित किया गया है। और बाकी ठीक है, इसके जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ये आपको मैं PDF में दे दूंगा। PDF पाने के लिए बहुत ही आसान सा काम करना है। क्या काम करना है? टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना है। अभी इस क्लास में आपको कुछ खास तरीके से मैं एक्सप्लेन कर नहीं पाऊँगा, क्योंकि अभी पार्क में बैठ के वीडियो बनाना भाई बहुत मुश्किल बात है, सब लोग घूर रहे हैं देख रहे हैं, पर क्योंकि आपकी क्लास मिस ना हो बस इसलिए क्लास बना रहा हूँ मैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से किस दिन प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? 24 जनवरी को, 25 जनवरी को, 26 जनवरी को या 27 जनवरी को, कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन जो आंसर है वो आपके सामने है, 25 जनवरी को। हर साल 25 जनवरी को भारत में, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर है, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मत दिवस जो है वो मनाया जाता है। और शुरुआत कब हुई थी? 2011 से शुरुआत हुई थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अभी आप लोगों के लिए, हाल ही में किस महान, ये गाड़ियाँ भी जाएंगे भाई साइड से, बुलेट वाले, चलो कोई नहीं आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस महान NBA खिलाड़ी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हुई है? NBA का मतलब है जो बास्केटबॉल ये रहते हैं स्पोर्ट्स रहते हैं उसमें, तो स्टीफन पॉल या फिर रसेल वेस्टब्रुक या फिर जेम्स हार्डन या फिर कॉबी ब्रायंट, किसकी जो है हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हुई है? ऑप्शन आपके सामने थे भाई, आंसर भी दिखा देते हैं आपको। इसमें आंसर होगा भाई आपका कॉबी ब्रायंट। ये लो सब सब भाई सब यहीं शोर में जाएंगे, चलो भाई एडजस्ट कर लेना, ठीक है आज की वीडियो में एडजस्ट कर लेना, चलता है कभी कभी इतने शोर में वीडियो बनाऊंगा तो भाई देखो यही होगा, कभी आंटियों की आवाज़ आएंगी, कभी बुलेट की आवाज़ आएगी, कभी बच्चों की आएंगी। आगे बढ़ते, आंसर है भाई कॉबी ब्रायंट। कॉबी ब्रायंट जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे बास्केटबॉल प्लेयर थे, जिनकी हेलीकॉप्टर क्रैश में दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई है। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट है ऑप्शन आपके सामने, भारत ने हाल ही में किस देश को 30,000 से अधिक मिजल्स और रूबेला वैक्सीन डोज की आपूर्ति की है? कौन से देश को भारत ने 30,000 से अधिक मिजल्स और रूबेला वैक्सीन डोज की आपूर्ति की है? तो ये ध्यान से देखना भाई, ये कंसेप्ट थोड़ा समझ भी लेना, मिजल्स और रूबेला क्या होता है। जैसे खसरा टाइप का एक इन्फेक्शन रहता है जिसमें शरीर पर दाने वगैरह हो जाते हैं, उस टाइप का ये रहता है इन्फेक्शन, तो उसके लिए वैक्सीन डोज की आपूर्ति की है। ऑप्शन है आपके पास, सूडान, श्रीलंका, मालदीव या म्यांमार।
कई लोगों को तो यही नहीं पता होगा मालदीव जो है अलग देश है। कई लोग तो ये मानते होंगे जैसे अंडमान निकोबार हमारे हिस्से हैं वैसे मालदीव भी हमारा हिस्सा है, जबकि ऐसा है नहीं, मालदीव एक अलग देश है। तो यहाँ भाई आंसर है आपके सामने, मालदीव में हाल ही में मालदीव को हमने क्या किया है, 30,000 से अधिक वैक्सीन्स जो है मुहैया करवाई है, आपूर्ति की है वहाँ पर। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने इतिहास में पहली बार आधिकारिक तौर पर अपने नागरिकों को सऊदी अरब जाने के लिए अनुमति देने वाले कानून पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन आपके सामने है इसराइल, भारत, चीन, जापान। चार ऑप्शन आपके पास। अभी तक इस देश में जो है हज यात्रा के लिए सऊदी अरब जाने की अनुमति नहीं हुआ करती थी आधिकारिक तौर पर, लेकिन अब इस देश ने अनुमति दे दी है। कौन सा देश है ये? तो आंसर और एक्सप्लेनेशन दोनों आपको दिखा देते हैं। ये है इसराइल। इसराइल ने आज तक अपने देशवासियों को कभी भी ये अनुमति नहीं दी थी कि वो सऊदी अरब जाएं, लेकिन अब जो है इसराइल के जितने भी नागरिक हैं वो हज यात्रा के लिए सऊदी अरब जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, या फिर इसके अलावा 90 दिन के लिए वो जैसे बिजनेस दौरा होता है ना उस पर भी जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ 90 दिन के लिए, मैक्सिमम है ये। नेक्स्ट है भाई, कोरोना वायरस सबसे पहले किस देश में पाया गया था? ये तो आपको पता ही होगा, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, वियतनाम या फिर चीन। तो चीन में पाया गया था भाई, और अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये कैसे फैला है। ऐसा माना जाता है कि चमगादड़ में होता था, चमगादड़ को सांप खा गया, सांप को लोग खा गए, तो ऐसे घूमता फिरता ये इंसानों तक पहुंच गया। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए किस नाम के पोर्टल की शुरुआत की है? तेज, स्पीड, गति या फिर मार्ग, किसकी शुरुआत की है? जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं आपके, नेशनल हाईवेज जो हैं आपके, उनके निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए ऑप्शन है आपके पास, आंसर आपके पास गति। गति जो है इसकी शुरुआत की गई है पोर्टल की, ऑनलाइन वेब पोर्टल है ये। ये आपके नेशनल हाईवे से संबंधित है, और बाकी वापस से आपको एक बार याद दिला दूं मैं कि अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और बाकी जितनी भी बुक्स हैं फ्री बुक्स जो मैंने आपको बोला था, एक बार दोबारा से मैं उनको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करने वाला हूं, तो मिस ना करें। ठीक है, और बाकी जो आपके केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं भाई, वो नितिन गडकरी हैं हाल फिलहाल के, तो उन्हें भी याद रखें। आगे बढ़ जाते हैं, 28 जनवरी 2020 को निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी का दिवस जन्म दिवस मनाया जाता है? लाला लाजपत राय या चंद्रशेखर आज़ाद या फिर राम प्रसाद बिस्मिल या फिर लाला हरदयाल सिंह, किसका जन्म दिवस मनाया जाता है 28 जनवरी को? आज मेरे हिसाब से 28 जनवरी होगी या मैक्सिमम 29 भी हो सकती है भाई। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके जो करंट अफेयर्स हैं वो बिल्कुल अप टू डेट चल रहे हैं, सिर्फ ज़रूरत है आपको लगातार उनको फॉलो करने की। आपकी जो प्लेलिस्ट है वो भी मैंने अलग से बना दी है, अगर आपने देखी होगी तो, उनकी भी जितनी भी लिंक होते हैं उनके वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिए थे। किस किस चीज़ की प्लेलिस्ट बनाई है? एक तो बनाई है KVS की कंप्यूटर लिटरेसी की, एक बनाई है KVS करंट अफेयर्स की, एक बनाई है आपकी KVS इंग्लिश की, और EVS भी आपका जो है KVS में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, तो उसे भी मिस ना करें। NCERT वाली प्लेलिस्ट को पूरा ज़रूर देखें। तो लाला लाजपत राय का जो जन्मदिवस है भाई वो 28 जनवरी को होता है। और आगे बढ़ते हैं, इस बार जो है 155वां जन्मदिवस मनाया गया उनका, बाकी 28 जनवरी 1865 में उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को, भारत की पहली जलमग्न मेट्रो किस राज्य में तैयार की जा रही है? जलमग्न मतलब अंडर वाटर जो मेट्रो होती है वो कौन से राज्य में तैयार की जा रही है? ऑप्शन आपके पास मुंबई, गुजरात, केरल या फिर कोलकाता, किस में तैयार की जा रही है? तो यहाँ आपके पास जो आंसर है वो है, राज्य नहीं बोलेंगे इसको आप, बोल हाँ राज्य भी बोलेंगे, मुंबई नहीं होना चाहिए था बस, मुंबई अगर है तो उसे राज्य नहीं बोला जाना चाहिए, बाकी ठीक है, और जो आंसर है वो तो करेक्ट है ही। भारत की पहली जलमग्न मेट्रो रेल कोलकाता में तैयार की जा रही है और हुगली नदी के बीच में बनाई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ से बस फ़ायदा क्या होगा कि 20 मिनट में काफ़ी ज़्यादा जो है आप लंबा सफ़र जो है वो अपना कवर कर पाओगे।
इसके अलावा तो भाई कोई आपका क्वेश्चन है नहीं। तो ये कुल मिला के आज के आपके क्वेश्चंस थे और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ भी आए होंगे। इसी के साथ ओवर करते हैं वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय। आज की क्लास कुछ ऐसी थी, कल से आपकी कोशिश करूँगा भाई कि ठीक तरीके से क्लास हो, पर अगर डीजे चलता रहा, लोगों की शादियाँ होती रही, तो फिर तो मुझे लगता नहीं है, पर ठीक है, पढ़ते रहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहिए। गुड नाइट, टेक केयर, बाय।